आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर विषय राजनीतिक शास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में। आज के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं वो राजनीतिक शास्त्र के हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन पिछले साल का ये मॉडल पेपर है, पिछले साल ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में, तो उन्हीं के बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होता है कभी जो पिछले साल एग्जाम में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। फिलहाल रिपीट ना भी हुए तो आपको आज की इस वीडियो में आइडिया लग जाएगा कि हाँ एग्जाम में किस कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वीडियो को इन तक जरूर देखना है, ठीक है। आप देख लीजिए ऊपर लिखा है बीए प्रथम वर्ष और विषय राजनीतिक शास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र है। नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें सेकेंड प्रश्न पत्र के बारे में हम बात करेंगे। तो आपको ऊपर मिल जाएगा निर्देश, सभी क्वेश्चन सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। उसके अंक उसके समान है। देखो दोस्तों, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर हमारे यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आते हैं, यानी कि सब्जेक्टिव आते हैं लेकिन लिखने वाला ही आता है, कॉपी मिलती है और क्वेश्चन पेपर मिलता है जिसमें हमको पूरा लिखना ही होता है। तो मैंने सोचा कि जिन यूनिवर्सिटी में ऐसा प्रोसेस है यानी कि रिटन एग्ज़ाम होते हैं तो उनके लिए भी कोई मॉडल पेपर बनाया जाए, कोई मॉडल पेपर निकाला जाए। तो मैंने ये फाइनली मॉडल पेपर एक यूनिवर्सिटी से रिसीव किया है, तो आपको आइडिया लग जाएगा आज की इस वीडियो में। आप सोच रहे होंगे कि ये किस यूनिवर्सिटी का मॉडल पेपर है, तो भाई किसी भी यूनिवर्सिटी का मॉडल पेपर हो, ठीक है, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनसे आपको लेना देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को आप जो देखने को मिलेंगे सिमिलर यानी कि एक ही जैसे लगभग सभी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। एक ही सेम नहीं होते बट कुछ डिफरेंट होता है, जैसे कि इसके बारे में विशेषताएँ दीजिए, ठीक है, जैसे व्यवहारवाद का अर्थ और विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और दूसरी यूनिवर्सिटी में हो सकता है कि व्यवहारवाद के बारे में आप क्या समझते हैं इसके बारे में वर्णन कीजिए, ऐसा क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो लगभग मतलब एक ही होता है, वो क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट होते हैं बस, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको आइडिया लग जाएगा। पहला क्वेश्चन है व्यवहारवाद का अर्थ और विशेषताओं का वर्णन करें, पहला क्वेश्चन यही है। उसके बाद अथवा करके आपको एक क्वेश्चन और मिल जाएगा, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप दूसरा क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये देख लीजिए, राजनीतिक विज्ञान में अंत अनुशासनात्मक, ठीक है, उपागम के विशिष्ट दृष्टिकोणों की व्याख्या कीजिए। तो आपको जिसका आंसर राइट, जिसके बारे में आपको अच्छे से डीप में नॉलेज है, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उसी के बारे में लिखें, इसलिए इसमें दो ऑप्शन दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज होगा व्यवहारवाद के बारे में, तो इसके बारे में आप हेडिंग बना के लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के कार्य एवं इसके औचित्य, ठीक है, औचित्य की व्याख्या कीजिए, राज्य के कार्य एवं इसके औचित्य की व्याख्या कीजिए। और अथवा करके भी है, दूसरा ये है, राज्य क्या है इसके मूल तत्व क्या है बताइए। तो दोनों क्वेश्चन हमें लग रहा है कि एक ही जैसे हैं, ठीक है, बस थोड़ा डिफरेंट है। जिसका राइट आंसर मालूम होगा उसी के बारे में आप डीप में लिखना है, डीप का मतलब कि 3 से 4 पेज में आपको कम से कम लिखना ही है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन रिटर्न होने वाले हैं। रिटर्न का मतलब आपको लिखना पड़ेगा क्वेश्चन आपके जो आपको कॉपी मिलेगी। तो अगर अभी तक, क्योंकि एग्जाम आ चुके हैं, आने वाले हैं सभी लोगों के, ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूँगा अभी तक आपने अभी कोई अगर क्वेश्चन बैंक या फिर मॉडल पेपर सॉल्व जो आता है नहीं क्वेश्चन पेपर का, वो नहीं परचेज किया है तो मार्केट से परचेज कर लीजिए, क्वेश्चन बैंक सीरीज जो भी आपके यहाँ चलता हो, ठीक है, जिससे आपको उसमें पूरे बहुत सारे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको उसमें देखने को मिलेंगे, ये सारे क्वेश्चन का आंसर उसी में आप लोगों को मिलने वाला है, ठीक है, तो उसमें से आप पढ़ाई कर सकते हैं। फिलहाल मुझे ये इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देनी है कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस, ठीक है। अगर मैं इन सबका आंसर बताऊंगा तो शायद वीडियो 2-4 घंटे की हो जाएगी, ठीक है, इसलिए आप बोर भी हो जाएंगे, तो इसलिए क्वेश्चन बताना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन होगा दूसरा क्वेश्चन है, देखते हैं दूसरा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकारों से क्या तात्पर्य है इसके सिद्धांतों एवं प्रकारों का भी उल्लेख कीजिए। तो अधिकार से क्या तात्पर्य, क्या समझते हैं इसके सिद्धांत और प्रकार को आपको लिखना है। इसको अधिकार लिखने के बाद आपको, ठीक है, यहाँ पर सिद्धांत की हेडिंग पड़ेगी, ठीक है, उसके बाद आप लोगों को इसके प्रकार लिखने हैं, कितने प्रकार के होते हैं। उसी में दूसरा अथवा करके है, एक ही क्वेश्चन करिएगा, चाहे ये आप करिएगा चाहे ये करिएगा, ठीक है, अथवा वाले में, नहीं तो नंबर एक ही के मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि उसमें स्वतंत्र न्यायपालिका प्रजातंत्र की आत्मा है विवेचना कीजिए, ठीक है,
तो आपको जिसके बारे में नॉलेज हो वो लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्सवादी सिद्धांत का आलोचनात्मक, ठीक है, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए और अथवा करके सर्वोदय के संबंध में गांधी के विचारों का परीक्षण कीजिए। तो गांधी जी के सर्वोदय के बारे में क्या विचार थे, क्या परीक्षण थे, उसके बारे में आप लिख दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा पढ़ लीजिएगा गांधी जी के बारे में और आप बना के भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक समाजीकरण को परिभाषित कीजिए। राजनीतिक समाजीकरण को विभिन्न एजेंसियों साधनों की विवेचना कीजिए अथवा करके राजनीतिक विकास का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, आलोचनात्मक। तो आई होप, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज होगा, राजनीतिक विकास के आलोचनात्मक परीक्षण के बारे में, तो इसके बारे में लिख दीजिएगा आलोचनात्मक परीक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलहाल हमें लग रहा है कि इसमें 5 ही क्वेश्चन दिए गए हैं, किसी यूनिवर्सिटी में हो सकता है 6 हो जाएँ, 7 हो जाएँ, क्योंकि हर साल रूल्स चेंज होते हैं। तो जो आप लोगों के रिटन एग्ज़ाम होते हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं, और कोई 10 नंबर का होता है, कोई 15 नंबर का होता है, ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग उसके पूर्णांक भी चेंज हो सकते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में 100 नंबर का भी होता है, किसी में 70 का भी होता है। ठीक है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन आप लोगों को आइडिया हो, सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करने थे, इसलिए मैंने वीडियो बनाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, अगर आप इसी तरह के और भी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, मैं और भी वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगा। ये तो हमारा राजनीतिक यानी पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर था। अगर सेकेंड मॉडल पेपर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड मॉडल पेपर भी आप तक प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को अगर चाहते हैं तो ये मैं अपनी वेबसाइट पर डाल दूँगा। ठीक है, वहाँ से ये सारे क्वेश्चन यानी पूरा मॉडल पेपर का PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा, मैंने एक नया चैनल ओपन किया जिसका नाम है हिंदी न्यूज़, तो अभी तक उसको आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। ठीक है, तो आपको मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय दोस्तों।